चल जा तकिया लेके आ, और तू तू हॉल में सोएगा, मैं तेरे रूम में सोऊंगा। यार पापा ये गलत बात है, आप लोग के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, अभी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा। और ये मम्मी को तो काम धंधा है नहीं, बस चिढ़ती तो रहती है पूरा दिन। ए खींच के दूंगा ना, फिर अकल आएगी। अपने माँ के बारे में से बात करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? पापा मैं तो आपका साइड ले रहा था, अभी तो आप झगड़ा करके। अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ, इसके ये नोक झोंक, इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा, बात बात पे डांटती थी, ताने मारती थी पापा को, मुझे। तभी मैं भी तेरी तरह यही सोचता था कि ये मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है। आज वही ताने, वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा। अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर, तो बस अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूँ, और मिल भी जाती है कभी कभी। तू शुक्र कर तेरी माँ तो है, क्योंकि एक दिन यही झगड़े यही चिड़चिड़ तुझे भी याद आएगी। अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी तुम, सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना? पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती हो, शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ अभी देखता।